Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gujarao English Medium School. Today we will discuss about Standard 9th subject Science. Today's our topic is one experiment. The aim of our experiment is sound needs medium to travel. मतलब sound wave है वो mechanical wave है, हमने पहले के section में बोला है, पहले के video में हमने बोल के रखा है कि sound wave is a mechanical wave. तो थोड़ा सा पहले remind कर लेते हैं, what do you mean by mechanical waves? Mechanical waves यानी कि वो waves जिसको ट्रैवल करने के लिए, जिसको प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत है, कोई मीडियम की आवश्यकता है, तो उस वेव को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव. और नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी वो वेव्स जिसको ट्रैवल करने के लिए, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो उस वेव्स को बोलेंगे हम नॉन मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल भी हमने देखा था कि लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि व्हाई साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, चाहे वो मीडियम एयर हो, चाहे वो मीडियम कोई सॉलिड हो, या चाहे वो कोई मीडियम लिक्विड हो. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा एम है ये प्रूव करना कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल. और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस चाहिए वो है स्विच, कॉर्क, बेल जार एंड इलेक्ट्रिकल बेल. एक वैक्यूम पंप भी चाहिए हमको, और एक पूरा जो ग्लास का जार है वो हमें चाहिए. तो टेक सबसे पहले ये पूरा सेटअप है वो हमें डिज़ाइन करना है इसे. Now, then, we will start our experiment. Take an electric bell and alright glass bell jar. सबसे पहले हमको एक ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है वैसा electric bell हमें लेना है, और glass का jar है वो लेना है. The bell jar is connected टू अ वैक्यूम पम्प. जो बेल जार है उसके जो नीचे का पोर्शन है वो हमें वैक्यूम पम्प के साथ हमें कनेक्ट करना है. एस शोइंग इन डायग्राम, जैसा हमें डायग्राम के अंदर दिख रहा है. अब हमें जो अंदर का जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका कनेक्शन बाहर हमें स्विच से दे देना है, और फिर इलेक्ट्रिक जो बेल है उसको बजाना हमें स्टार्ट करना है. जैसे ही ये इलेक्ट्रिक बेल बजेगा तो हमें, जैसे ही बेल बजना स्टार्ट करता है वैसे ही हमें वैक्यूम पंप है नीचे का वो स्टार्ट करना है. वैक्यूम पंप स्टार्ट करने की वजह से जो एयर है, जो ग्लास जार के अंदर एयर भरी हुई है, वो एयर धीरे धीरे से नीचे से वैक्यूम पंप में आ जाएगी, और जो ग्लास जार है उसके अंदर एयर की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी. और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो धीरे धीरे जैसे जैसे एयर ग्लास जार में से कम होती जा रही है,
वैसा वैसा हमें पता चलेगा कि जो बेल का साउंड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बेल पहले जितनी जोर से बज रही थी उतनी जोर से अब नहीं बज रही है। बेल का साउंड है वो धीरे धीरे से कम होने लगता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही वैक्यूम कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा बेल ग्लास जार के अंदर, वैसे ही हमें बेल का साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा होने का रीज़न क्या है कि अब तक जार के अंदर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एयर तो थी। तो एयर है उसके थ्रू, एयर के थ्रू जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करके हमारे कान तक पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैसे ही वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम यानी कुछ नहीं, खाली अवकाश, उसके अंदर एयर भी नहीं हो सकती, तो वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल करना बंद कर देंगे। साउंड वेव ट्रैवल्स वैक्यूम के अंदर नहीं कर सकते। तो जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा वैसे ही जो बेल का साउंड है वो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, मतलब साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नाउ यू नो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ हाउ साउंड रीचेस अस। व्हाइल प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड, व्हेन यू कॉल योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। हाउ डज द साउंड ट्रैवल टू हिम? एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड एयर इज वन सच मीडियम। When the air has been completely removed from a place, it is said that a vacuum is created. Can sound travel through vacuum? Let us find it out. Let us suspend an electric bell inside an airtight glass bell jar and connect it to a vacuum pump. Now switch it on. As the electric bell circuit is completed, the loud sound of bell is heard repeatedly. We can also see the hammer striking the gong repeatedly. Now, let us slowly remove the air from the bell jar using a vacuum pump. The intensity of sound is decreasing. The sound is so feeble now. Oh, now no sound is heard. Is the electric bell working properly? Yes, it is. We see the hammer striking the gong repeatedly. What has happened? All the air is drawn out of the jar using a vacuum pump. So what does it prove? This clearly proves that sound requires a medium for its propagation. So now we know that sound cannot travel through vacuum. If you remember, on moon there is no atmosphere or air. Also, no sound can be heard on the moon even if you yell at the top of your voice and the another person stands just next to you. This again proves that sound cannot travel through vacuum. Can sound travel in any other medium besides air? Let us find it out. You can easily hear the bell ringing outside the water. Can we hear it in water? Take a bucket, fill it with clean water. Shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. Can you hear now? Maybe not. So, place your ear gently on the water surface. Can you hear the sound of the bell? Yes, you can. This indicates that sound can travel through the liquids. Now you know how whales and dolphins can communicate with each other underwater.
even we humans when we are swimming underwater. Can sound travel through solids? Let us find out this also. Place your ear at the end of a long wooden table. Ask your friend to gently scratch the other end of the table. Can you hear the scratching sound made at the other end of the table? Yes, you can. So, we find out that sound can travel through even solids like the wood. Can you say that the sound can travel through the thin strings? Let us see this also. You must have surely made a toy phone using paper cups or match boxes and strings. Haven't you? Can you say that the sound can travel through strings? Let us see the children playing this game. Hello, this is Agent Y. Who are you? Over. I am Agent X. What is the mission? Over. We need to find the hidden treasure in the desert. Over. Yes, let's go. Over and out. That was interesting, wasn't it? This children's game does indicate that the sound can travel even through a string. In fact, sound can travel through any solid. Also, sound travels faster in solids than in air. But do you know how sound travels from one place to another? When we throw a stone in water, then waves are produced in water which spread to a larger area. Similarly, sound also vibrates in waves and spreads everywhere. These waves begin at the object which is producing the sound and travel in all the directions. Suppose you tap a table and sound is heard. What is happening actually? When vibration is started by some mechanical event, say such as tapping of a table, this causes a vibration on the molecules next to the mechanical event. That is where your hand hits the table while tapping. When these molecules vibrate, they cause the molecules around them to vibrate too. The vibration will spread from molecule to molecule, causing the sound to travel. The vibrations are carried forward from one point to the next until it reaches our ear and we are able to hear. To sum up what we learned today, the vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. The sound cannot travel through vacuum, but the sound can travel through air.